नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अटैट 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रगु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त वोकैब शो में, जो कि होने वाला है इंपॉर्टेंट आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन है, जेसीए और इत्यादि जो भी स्टेट पीसीएस और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन है, वहाँ एक इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज के सेशन को बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं आप लोग इस सेशन से जो चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं वो होंगी आपके एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्डली ज़रूरी। सो लेट्स गेट कनेक्टेड और इस सेशन को जितना हो सके जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, सेशन को अंत तक अटेंड करें, बिकॉज जब हम सेशन को अंत तक अटेंड करेंगे तभी वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रूट ऑफ द सेशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार तरीके से आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश होगी, अगर आप में से कोई व्यक्ति जो इस चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के अपडेट मिलते रहें। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन, है ना, शेयर जरूर कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिए अटैट 24/7 एप्लीकेशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सेशन समरी बहुत ही कमाल, बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है और एकदम स्पेसिफिक और शानदार तरीके से चीज़ों को कैरी करने की भी ज़रूरत है। तो क्या है सेशन समरी, फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे, कमाल का मोटिवेशन आपको मिलेगा अभी कोट ऑफ द डे के साथ, है ना। वोकैबुलरी विद पिक्चर्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स, राइट, दैट दैट डिफर्स आर सेशन फ्रॉम एनीबडीज एल्स, है ना, एनीबडी एल्सेस। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद रहेंगे स्पेलिंग का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, एडिटोरियल वर्ड्स, idioms एंड phrases, एरर डिटेक्शन, इंपॉर्टेंट synonyms, antonyms एंड एडिटोरियल पैराग्राफ। तो वी हैव कंप्लीट, है ना, एकदम 10 कदम टाइप, है ना, सारी चीज़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पर साझा करना चाहूँगा, अगर 2022 में CGL आपका टारगेट है, राइट, सो निश्चय कर अपनी जीत कर, है ना, सीधी बात है। यू हैव टू टारगेट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही आपको इसे टारगेट करना है और इसके सिलेक्शन के लिए जो भी इफेक्टिव टूल्स हैं उसकी ज़रूरत आपको है, स्पेशली दिस वोकैब शो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ एक चीज़ और अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे मोटिवेशन ऑफ द डे की, और मोटिवेशन बहुत ही कमाल है, वो ये है, The trouble is you think you have time. देखिए भाई सीधी बात है, ये देखो कितना correlative है। CGL के examination के लिए अभी हम सोच रहे हैं कि 4 महीने अभी तो जिंदगी जी लूंगा मैं और इस बार CGL qualify करूंगा, फिर उसके बाद 2 महीने रह जाएंगे, अरे 2 महीने रह गए पढ़ाई ज्यादा करनी है, फिर 1 महीने रह जाएगा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, 15 दिन रह गए, हे भगवान निकल गया ये भी। तो प्लीज डोंट थिंक दैट यू हैव टाइम, है ना, महात्मा बुद्ध सेज द सेम थिंग, द ट्रबल, परेशानी तो यही है कि हम सोचते हैं हमारे पास समय है, जबकि समय निकला जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग किस तरह से अलग अलग जगह से खर्च हो रहा है। सो यू डोंट हैव टाइम, यू हैव लिमिटेड टाइम, जस्ट गो फॉर इट, ग्रैब इट एंड एंजॉय इट, दैट्स इट, राइट, डोंट गेट दैट मच रिलैक्स्ड, इतना रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नैतिक, ईवा, है ना, शाहिना, गौरव, प्रियंका, थैंक यू गाइस, यू पीपल आर आउटस्टैंडिंग। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, टाइम है, बस इतना मैं आपसे कहूंगा और कुछ नहीं। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, निश्चय एसएससी सीजीएल टियर 1 कंप्लीट बैच 2022 एग्जाम्स, इंग्लिश बैच है, दिस बैच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 19th of August, एवरीबडी 19th of August। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बैच इज 400 आवर्स की लाइव क्लासेस एक ही बैच में, यानी दिस बैच इज गोइंग टू बी आई थिंक फॉर 4 months, an amazing badge is this. So this is the target badge of CGL. ठीक है, and 19 तारीख से शुरू हो रहा है ताबड़तोड़ तरीके से, अटैट 24/7 के स्टोर पर यह बैच अवेलेबल है, आप चाहें तो एनरोल करने के लिए डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हैं Y278, बट लिमिटेड सीट्स आर देयर, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि इस बार सिलेक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी लोगों को डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी। तो चलिए भी शुरू करते हैं आज के सेशन को वोकैबुलरी विद पिक्चर्स के कारवां से, एकदम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को एकदम सीखने लायक बनाएंगे। तो ईश्वर का आह्वान करके आगे बढ़े एवरीवन, और बांके बिहारी लाल की जय। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेनोर, टेनोर,
सेंटर पीस, टेन्योर, एजेंडा, ग्लोरी, व्हाट कुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन? कल हमने पढ़ा था टेन्योर मतलब किसी भी चीज का सेंटर पीस, कोर, बॉटम लाइन, याद आ रहा है? बस, तो किसी भी चीज का सेंटर पीस, कोर, बॉटम लाइन, द राइट आंसर इज सेंटर पीस। लॉ है, जब जीवन में प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी पर अपने आप को सुनिश्चित कर लें। तो व्हाट इज दिस प्लान बी? देखिए, इंसान हर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं? इसके लिए वो हमेशा अपने लिए एक बैकअप प्लान रखना चाहता है, और बैकअप प्लान सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी लाइफ में आगे कभी फंसा जाए तो बस वहां से उभर कर आगे बढ़ने के लिए यू हैव सम वे, राइट? तो प्लॉय का मतलब क्या होता है? एक गिमिक बोलते हैं, गिमिक मतलब ट्रिक, चाल बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड चाल, ट्रिक कह सकते हैं इसको, ठीक है? सो दैट इज गिमिक। गिमिक शब्द को याद रखने की कोशिश जरूर करें सभी लोग। आगे आते हैं, चले भी फ्रॉर, देखो इतनी सारी भीड़, 2020 दो बार क्लैंडेस्टीन लिख दिया। क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या हो जाता है? सीक्रेट। क्लैंडेस्टीन मतलब है ना, छुपा हुआ। तो देखिए, शोरगुल, कोहराम होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से नॉइजी बिहेवियर, तो आंसर हो जाएगा तो क्लटर, दैट इज बी। अच्छा, अगर क्लटर नहीं होता तो वी कुड हैव चोजन फेरोशियस, हालांकि फेरोशियस उग्र हो जाना होता है, एग्रेसिव, क्रूर को भी कहते हैं, इसीलिए क्लटर ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, हैकलिंग। कई बार आपने स्कूल में ऐसा किया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे जो लोग बैक बेंचर्स होते हैं, आप में से कोई बैक बेंचर रहा है? तो बैक बेंचर्स पीछे से एकदम ओ हे हा, समझ रहे, हुटिंग टाइप तो एक दूसरे को तंग करने के लिए है ना, जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ रहा, इसको नहीं आता, टीचर किसने बोला, किसने बोला, तो दैट इज हैकलिंग। हैकलिंग मीन्स एक प्रकार से टॉन्ट करना, टीज करना, समझ रहे हो? तो पीछे से बैठ के एकदम मतलब होटिंग करना, चिढ़ाना किसी को, सो दैट इज कॉल्ड हैकलिंग। आई होप एवरीबडी गॉट दैट, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। रॉबस्ट, सी रॉबस्ट, बहुत बढ़िया। रिवाइव स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल शाइनी, रिवाइव स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल शाइनी। तो देखिए भैया, द वे ही इज परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली ही साउंड्स स्ट्रॉन्ग, इसको हम लोग हेल्दी भी कह सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग हेल्दी भी कह सकते हैं, द राइट आंसर इज बी। हाँ, नेक्स्ट, टीएडी, टेड, व्हाट इज टेड? इत्तू सा था जब मैंने उसको देखा था, अब देखो कितना बड़ा खुद को समझता है। व्हाट इज टैड? बिट, फेड, स्टेन या स्प्रिंग? टाइम्स अप। तो आप देख सकते हैं, शी इज एक्सप्रेसिंग सम स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल अमाउंट बिट हो गया, फेड रिलेट टू फैशन, स्टेन दाग अच्छे हैं, स्प्रिंग का मतलब एक तो जंप करना और एक सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी एंजॉइंग, फ्लरिशिंग, तो आंसर इज बिट हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्ड, पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं हम लोग, कल भी आया था, मार्ड, डिसफिगर्ड, मार मार के तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे, आज हम आओ तुमको बताएं, धमाक धमाक। तो टाइड माने तो एकदम मतलब जुड़ जाना, स्पॉइल्ड इज द राइट आंसर। ड्रेस्टिक का मतलब क्या होता है? ह्यूज। डिजेस्ट्रस का मतलब हार्मफुल, डिजेस्ट्रस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज हार्मफुल, ठीक है? हार्मफुल किसी भी चीज के लिए हम लोग डिजेस्टर शब्द का यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग, कम ऑन, व्हाट इज अनफ्लिंचिंग? रेमिफिकेशन, परसुएसिव, अनयील्डिंग, यील्डिंग। तो एज पर एज अगर हम बात करें यहां पर सिग्निफिकेंट वे में कि किस तरह से ये चीज हम लोगों को समझनी है, तो अनफ्लिंचिंग कल हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति जो काफी डिटरमिंड है चीजों को लेकर, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर हमने बात किया था। बाकी रेमिफिकेशन होता है किसी भी चीज का परिणाम, परसुएसिव का मतलब क्या हो जाता है? राजी करने के संदर्भ में, तो
आंसर हो गया अनयील्डिंग, जो सरेंडर ना करे, मतलब डिटरमिंड है, हठी है. यील्डिंग जो सरेंडर कर दे. तो आंसर हो जाएगा दैट इज सी. सी इज द राइट एंड एब्सोल्यूट आंसर. कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं होगी, डिटरमिंड भी कह सकते हैं. बहुत बढ़िया योगेंद्र मेरे भाई, आगे बढ़े. नेक्स्ट, HELMING, हैमिंग. देखो भैया, HELMING, वॉट इज हैमिंग? तो द पर्सन इज आई थिंक नेविगेटिंग द शिप, उसके हाथ में वही चक्का है. तो हैमिंग किसको रिप्रेजेंट करता है? आइदर इट इज पायलट और नेविगेट. एस्टिमेट आकलन करना, रीजन का मतलब क्षेत्र. और अगर हम बात करें किसका, सेगमेंट भाग हो गया. तो आंसर के रूप में सही जवाब क्या हो जाता है? दैट इज नेविगेट. वोर्टेक्स, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे. हैं, भंवर, लेकिन वो भंवर दूसरा वाला, भंवरा वाला है. जोक्स अपार्ट, सो वोर्टेक्स का मतलब आपने देखा होगा पानी में इस तरह से, है ना, बवंडर टाइप, भंवर जिसे बोलते हैं. गल्फ, मेलस्ट्रम या फिर वर्लपूल. वर्लपूल, हाँ, वर्ल का मतलब घुमावदार, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ दिस वोर्टेक्स और मेलस्ट्रम सिचुएशन. ठीक है, नेक्स्ट, स्पाइरल. स्पाइरल, कम ऑन, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, एकदम जबरदस्त तरीके से यू पीपल हैव बीन आंसरिंग इट, है ना, ग्रेट. अब अगर हम बात करें स्पाइरल शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्ल को. किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्ल को, एक प्रकार से, है ना. अब टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, मतलब समथिंग विच इज वेरी सीवियर. टर्न आउट, बाहर निकलना. लीप्स एंड बाउंड्स, क्विकली, तेजी से. आंसर इज कर्ल. आई थिंक दैट्स इजिली सीन टू एवरीवन. बल्ज, बी यू एल जी, पढ़ चुके हैं हम लोग इस वर्ड को, मैंने कल भी बताया था तब. बल्ज का मतलब किसी भी चीज में इंक्रीमेंट होना, है ना. हाँ, किसी भी चीज में इंक्रीमेंट, दैट इज बल्ज. ये एक नाउन हो जाता है. वृद्धि, बंच या प्रोजेक्शन. ठीक है, किसी भी चीज में वृद्धि, बंच या फिर जिसे क्या कहेंगे, एक प्रकार का प्रोजेक्शन. ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है, जल्दी जल्दी सागर, है ना, डोंट वरी मेरे भाई, आगे बढ़े. शैल वी मूव ऑन? दैट्स ग्रेट. टशल, TUSSLE, व्हाट इज टशल? ट्रिम, कॉम्बैट, सब्सटेंटिव, टेस्टिमनी. टशल शब्द का मतलब क्या होगा? व्हाट इज टशल? अब देखिए, टशल वर्ड की अगर हम बात करें तो ट्रिम का मतलब तो काट छांट करना, यहां आपस में दिख रहा है. कॉम्बैट, नहीं, वो मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, नहीं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तो लड़ गए आपस में, सो कॉम्बैट. सब्सटेंटिव, एक सम, एक बोलते हैं ना, एक फिक्स अमाउंट किसी भी चीज का, एक प्रॉपर वे में. एक्सपोनेंट सुना होगा. टेस्टिमनी, सत्यापन किसी चीज का, एविडेंट. तो आंसर हो गया कॉम्बैट. नेक्स्ट इज कॉन्वल्स. देखिए भैया, वॉट इज कॉन्वल्स? कंटेम्पलेट, एगनी, एजिटेट, एंटाइज. सो एंटाइज मतलब टू मेक समवन एग्री, मना लेना, सहमत करा लेना. देखो, एकदम गला घोंट दिया है नर्स ने, निपटा देंगी आज इसे, है. एग्नी, पीड़ा हो गई. कंटेम्पलेट मतलब किसी चीज के बारे में विचार करना. कंटेम्पलेट का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज के बारे में विचार करना. आंसर के रूप में सही जवाब क्या होगा? दैट इज सी, विच इज एजिटेट. नेक्स्ट, रिपल्सिव. व्हाट इज रिपल्सिव? कम ऑन एवरीवन, बहुत बढ़िया. मधुमिता, गलत हो गया. एजिटेट इज द राइट आंसर. एग्नी वोंट बी. ठीक है, गौरव, अनिकेत, सृष्टि, राहुल, अजय, स्वाति, युकेंद्र, करण, ग्रेट गाइस. रिपल्सिव, आई वोंट हैव इट. तो देखिए, पर्सुएडिंग का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने के लिए मना लेना. डिसवेटिंग मतलब किसी काम को ना करने के लिए मना लेना. डिटरेंट, निवारक या फिर किसी चीज पर लिमिटेशन लगाने के लिए जिसकी जरूरत हो. डोमिनेटिंग होगा नहीं, आंसर हो गया अबॉमिनेबल. दैट शुड बी द राइट आंसर. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. ठीक है, दैट्स ग्रेट.
चलिए भाई, तो ये था हमारा पहला भाग, विच वॉज रिविजन वर्ड्स पिक्चर के माध्यम से हम लोगों ने करना था। एक बार जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे यार, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। दिस सेशन नीड्स योर लाइक्स एंड सपोर्ट, है ना, कम ऑन सभी लोग, थोड़ा सा 5 से 7 सेकेंड में एक बार जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक करके सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर कर देंगे, इन इफ यू पीपल कैन डू दैट, है ना। तो लाइक जरूर फटाफट से कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, लाइक एंड शेयर, दैट्स ग्रेट। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही आसान है। कॉम्प्लेक्स विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल, कोई भी चीज जटिल है लेकिन उसकी पूरी डिटेल आपने वहां पर ध्यान में ले लिया। लेक्स, एमनेस्टी, थरो या फिर क्रैम्ड। लेक्स, एमनेस्टी, थरो या फिर क्रैम्ड। लेक्स माने लूज, लेजी, दोनों ही शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं। एमनेस्टी माफी, थरो इज द राइट आंसर। क्रैम्ड का मतलब क्या होता है, रट्टा मार, है ना, रट्टा मार एकदम, ठीक है। तो रटना किसी भी चीज को, तो आंसर इज थरो, ठीक है, रटना। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल। एडोरेबल, एडमेंट, पेंसिव या फिर एमिनेबल। तुरंत आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग, दैट्स ग्रेट। Willing to be guided or controlled. तो देखो, adorable मतलब प्यारा, adamant मतलब कठोर, pensive मतलब विचारात्मक, विचारात्मक विचार से संबंध, ठीक है, गहन चिन, thoughtful, ऐसे लिख देता हूँ, thoughtful. So right answer is amenable, है ना, जिसको गाइड और कंट्रोल करने की जरूरत है, चिंताग्रस्त को भी बोल सकते हैं, थॉटफुल। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, किसी भी पर्सन के द्वारा एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस दिया जाए उसे क्या कहते हैं, डेब्यू, मास्क, मॉस्क, प्रीव्यू। चलिए भाई तुरंत बताएं, व्हाट इज अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ट्रूली ग्रेट एवरीवन, बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त तरीके से सभी लोग यहाँ आंसर कर रहे हैं। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, जिस तरह से हम लोग चीजों को आंसर कर रहे हैं, ग्रेट। बट जरूरत है थोड़ा सा चीजों को स्ट्रिक्टली कैरी करने की, बिकॉज लेट मी टेल यू, दिस वोकैबुलरी, दिस पर्टिकुलर सेशन इज फॉर यू ऑल। इसको बोलते हैं मास्क, ठीक है, MASQUE। नेक्स्ट, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, किसी एंट्रीटी के द्वारा, है ना, जो आगे ना बढ़े, मूव ना हो। इम्पासे, विदड्रॉ, डेस्पॉटिक या फिर इनएक्सोरेबल। तो इनएक्सोरेबल एक प्रकार से काफी कठोर हो जाता है, विदड्रॉ वापस कर लेना, इम्पासे डेडलॉक। अब कुछ लोग डेडलॉक समझ के जल्दी में ये लगा देंगे, लेकिन किसी एंट्रीटी के द्वारा मूव नहीं हो रहा उसे बोलते हैं डेस्पॉटिक, ठीक है, ये रूथलेस हो जाएगा या कठोर जिसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, किसी हायर अथॉरिटी को कभी किसी जगह बुलाया जाता है या ले जाया जाता है, सो देयर मस्ट हैव सम कंडक्ट, है ना। तो स्टेट्समैनशिप एक प्रकार से राजनीति कह सकते हैं, डेलीगेशन प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, हायरार्की क्या होता है, इट्स अ वे, मैनेजर सीनियर, है ना, जैसे मान लो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर सीनियर मैनेजर, फिर उसके आगे, है ना, जनरल मैनेजर या जो भी मैनेजर्स होते हैं, एरिया मैनेजर्स, दैट इज हायरार्की। आंसर क्या होगा, दैट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रोटोकॉल शुड बी द राइट आंसर, यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस, है ना, तो बढ़िया, प्रोटोकॉल, ग्रेट। स्टेटमेंटशिप राजनीति। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन, तुरंत ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड हियर।
प्रिवेंटिव मेजर्स हैव कंट्रोल्ड द इनॉर्मस ग्रोथ रेट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज. कमा हाँ जी, टाइम्स अप. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दरनी. लेट टुडे. गुड मॉर्निंग संगम, गुड मॉर्निंग आतिफ. चलिए अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपको दिख रहा होगा कंट्रोल में डबल एल आएगा, इट्स कंट्रोल्ड. ठीक है, इट शुड बी कंट्रोल्ड. ठीक है ना, बहुत बढ़िया. हो सकता है अमेरिकन इंग्लिश में आपको सिंगल एल दिखे, जैसे ज्वेलरी में सिंगल एल लिखा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में. ठीक है, तो खास तौर से ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा. दिस इज हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन राइजिंग इन योर एग्जामिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, नेक्स्ट. ब्लैंक माय फूड एंड माय रिपोज वर सॉल्टेड. टाइम इज कंप्लीटली अप एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस. Because it's really very important to answer such question which are actually important for your examination point of view. From your examination point of view. ठीक है ना, जल्दी से बताइए. अब देखिए, यहाँ एक चीज तो समझ में आ गई होगी, आगे एंड दिया है तो बोथ ऑफ तो नहीं होगा, बोथ ही होगा. Both my food and my repose were salted. Repose मतलब चैन है ना, मतलब चैन इन द सेंस स्टेट ऑफ बींग काम इन रिलैक्स सिचुएशन. दोनों को एकदम नमक बिघ्न डाल दिया था. नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं. सो द कोर ऑफ आवर सेशन टुडे इज एडिटोरियल वर्ड्स. प्लीज फोकस करें और काफी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया. शिल्पा, सृष्टि, एवरीवन एवरीवन, अनिकेत, राहुल, शाहिना, ज्योति है ना, महक, मधुमिता, चलिए सभी लोग आते हैं. हम लोग हमारे कोर ऑफ द सेशन विच इज एडिटोरियल के वर्ड्स ताबड़तोड़ तरीके से समझेंगे, जानेंगे और ध्यान देने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेट्स मेक इट डन इजीली. हर एक शब्द को देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे, समझेंगे. सबसे पहला वर्ड कुछ समय पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर आया तो मैंने कहा रिकॉल करा दिया जाए. कोरंड्रम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कंसिडर्ड इन SSC एग्जामिनेशन इज कोनिंड्रम. कोनिंड्रम की बात करें तो पजल, मिस्टिफिक, मतलब SSC इन द सेंस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, पजल, मिस्टिफिकेशन, रिडल, या जिसे क्या बोलेंगे, एक पहेली, कठिन कार्य. ठीक है, दैट इज कोनिंड्रम. कोनिंड्रम मतलब पजल, मिस्टिफिकेशन, रिडल, पहेली या कोई भी कठिन कार्य. एग्जाम्पल देखेंगे. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोनिंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोनिंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स, ये मतलब एक कठिन कार्यों में से एक है एक्सपर्ट्स के लिए. कोनिंड्रम याद रखना एक नाउन है. नेक्स्ट पोटेंशियल. देखिए, पोटेंशियल शब्द की बात मैं करूँ तो कई बार लोग इसको सिर्फ पॉसिबिलिटी के रूप में लेकर चले जाते हैं, लेकिन पोटेंशियल कैपेबिलिटी को भी दर्शाता है और ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं, है ना. तो नाउन की तरह इसका यूज हुआ है पैराग्राफ में. कैपेबिलिटी, प्रोस्पेक्ट, क्षमता को बोलते हैं. ही हैज पोटेंशियल, ही कैन कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, है ना. अ टाइम व्हेन क्लोनिंग वाज मियरली अ पोटेंशियल, है ना. एक समय की बात करें तो वहां उस समय जो क्लोनिंग हुआ करती थी केवल एक क्षमता के रूप में या एक संभावना के रूप में, या पॉसिबिलिटी का सेंस भी दे रहा है, देखी जाती थी. ठीक है, नेक्स्ट फोर्टनाइट. आई थिंक सबको पता है, नहीं पता बता देता हूँ. दो वीक्स का समय होता है, तो अ पीरियड ऑफ 14 डेज, है ना, याद रखना, या फिर 2 वीक्स. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आ जाते हैं. स्वाब, देखिए भैया, स्वाब शब्द की बात करें तो इट हैज, इट कन्वेज अ मीनिंग. इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई अब्सॉर्बेंट कपड़ा लिया और उसको साफ कर, दूसरी चीज को साफ करने के लिए, है ना. तो देखिए, अ मॉप और अदर ऑब्जर्वेंट डिवाइस, इसको हम लोग वाइप भी कह सकते हैं. वाइप का मतलब साफ करना हो गया एकदम,
है ना, तो स्वैप्ड द वुंड विथ आयोडीन, घाव को एकदम आयोडीन से साफ कर दिया। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी। देखिए भैया, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? जीवन में विपत्ति यानी कैलामिटी, विपत्ति एडवर्सिटी परेशानी। सिंपल वर्ड है ये तो, आई थिंक हम सभी लोगों ने पढ़ा ही है। सो फर्टिलिटी इज नथिंग बट किसी प्रकार की विपत्ति परेशानी कैलामिटी जिसे हम लोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की कोशिश जरूर करें। हाईवे फर्टिलिटीज है ना, तो हाईवे मतलब हाईवे पर जो भी विपत्ति परेशानी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट इज सिंक। कई बार हम लोग सिंक्रोनाइज शब्द सुनते हैं, कई बार हम लोग सिंक्रोनाइज शब्द सुनते हैं, तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हो जाता है स्पेसिफिकली? सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? उसी समय पर कोई चीज घटित हुई, है ना, उसी समय पर कोई चीज घटित हुई, इसका मतलब क्या होता है? टू हैपन एट द सेम टाइम। सिंक्रोनाइज का ही शॉर्ट फॉर्म है ये, मान लीजिए, है ना। कंटेम्पररी कह सकते हैं, ठीक है, कंटेम्पररी इसको हम लोग कह सकते हैं आसानी से। रेशनल, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, रेशनल। रेशनल क्या होता है? एक प्रकार से किसी चीज के ऊपर तर्क देना, दलील, तर्क, रीजन, कि जो भी काम आप कर रहे हो ये गलत है या सही है, क्यों है ना, तो दैट इज रेशनल। ही प्रेजेंटेड सम रेशनल सो दैट टास्क कुड बी हैम्पर्ड। उसने इतने सारे दलील पेश की जिससे कि वो टास्क वहां पर रोका जा सके। द रेशनल फॉर स्टार्टिंग द स्कूल, है ना, स्कूल को शुरू करने का एक तर्क, दैट इज रेशनल, है ना। लास्ट देखते हैं यहाँ पर, ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? एक एक्सक्यूज देना किसी चीज को ये दर्शाने के लिए, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो देखो यहाँ लिखा है एक्सक्यूज, पलिएट, टू ट्रीट, STH मतलब समथिंग, भाई किसी चीज को ना करने का एक्सक्यूज। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, पढ़ाई ना करने के हमारे पास एक्सक्यूज होते थे, आज भी हमारे पास ना पढ़ने के, सुबह ना उठने के कई एक्सक्यूज होते हैं कि भाई इसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, ये इसकी वजह से नहीं हो पाया, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ट्रीट, टू ट्रीट समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को कम महत्वपूर्ण रूप से आंकना, दैट इज कॉल्ड ग्लॉस ओवर, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए भाई, इस स्लाइड में आपने कुछ नए वर्ड्स देखे इंपॉर्टेंटली, अगली स्लाइड पर भी आते हैं, वहां भी आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट शब्द देखने मिलेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा पे अटेंशन एंड ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इन्यूमरेट, देखिए भैया, इन्यूमरेट, कुछ दिन पहले एक वर्ड आया था रैकन, याद है, कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था रैकनिंग, समबडी हैज इवन आस्क्ड इन दैट सेशन एज वेल। सो इन्यूमरेट मतलब चीजों को गिनना, काउंट करना, रैकन करना, कैलकुलेट करना। आई प्रोसीडेड टू इन्यूमरेट द रीजन्स, है ना, आई प्रोसीडेड टू इन्यूमरेट द रीजन्स मतलब मैंने प्रोसीड किया जिससे कि मैं रीजन्स को काउंट कर पाऊँ, कि हाँ भाई बताओ क्या कारण था। कई बार होता है ना कि मैं सर इस वजह से होमवर्क नहीं कर पाया, हाँ बोलो क्या काम, है ना, तो दिस इज द वन। नेक्स्ट इज बिनाइन। काफी सिंपल वर्ड है और बट एग्जाम्स में यूज हुआ है और हो रहा है, तो हमको ध्यान रखना है। बिनाइंग मतलब द वन हु इज काइंड, सौम्य, जेनरस बोल सकते हैं, लीनियंट कह सकते हैं, वी कैन इवन कॉल दैट पर्सन लीनियंट। एग्जाम्पल, हिज बिनाइंग बिहेवियर एस्टोनिश्ड एवरीवन, उसके एकदम काइंड बिहेवियर ने सबको आश्चर्यचकित और अचंभित कर दिया कि इतना शांत कोई कैसे होता है। नेक्स्ट इज सेलियंस। सेलियंस वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ समथिंग, इसको बोलते हैं प्रमुखता, प्रमिनेंस किसी भी चीज की, है ना, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस कह सकते हैं एक प्रकार से। सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, तो मैंने बोला इस प्रोडक्ट के सेलियंट फीचर्स, यानी जैसे हम लोग क्या कहेंगे, एकदम महत्वपूर्ण फीचर्स किसी भी चीज के, है ना, तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान भी रखें कि किस तरह से ये चीज कनेक्ट हो सकती है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पर। आगे बढ़े, नेक्स्ट, टैम्पटिंग। आज हमने रिपल्सिव अभी शब्द देखा था स्टार्टिंग में, टैम्पटिंग आ गया, मनमोहक, मोहना है, तो समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, मोहक, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे, प्रसन्न चित्त लगे, है ना, देखकर लोग खुश हो जाएं, तो दिस इज द पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस तरह से ये चीज़ यहाँ पर बड़े आसानी से कैरी की जा सकती है, ठीक है, हाउ दिस थिंग कैन बी इजिली कैरीड फ्रॉम हियर, ठीक है।
सो डोंट जस्ट फॉरगेट दैट एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त. आगे बढ़े. इट इज टेम्पटिंग टू सी अ चाइल्ड स्माइलिंग. कभी एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखना तो मतलब बोलते हैं ना इंसान अपने सब दुख दर्द भूल जाता है ना. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. सो इट इज टेम्पटिंग टू सी अ चाइल्ड स्माइलिंग. काफी अट्रैक्टिव होता है, मोहक होता है एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखना. नेक्स्ट इज स्क्रैम्बल, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो अस्त व्यस्त परिस्थिति में. हेल्टर स्केल्टर पढ़ा था हमने आज से 3-4 दिन पहले या और मैक्सिमम 7 दिन पहले आया था हेल्टर स्केल्टर. इसका मतलब भी क्या होता है? अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित कार्रवाई, जंबल, डिसऑर्डर. क्रिप्टिक, क्रिप्टिक, समथिंग इज वेरी फिशी. इसका मतलब कोई भी चीज कुछ तो है छुपा हुआ, गुप्त, मिस्टीरियस, दैट इज क्रिप्टिक. ठीक है, क्लैंडेस्टीन पढ़ा था उसे भी रख सकते हैं. चले भी आप फिंडिशली, फिंडिशली का मतलब होता है दुष्टता के साथ. जैसे हम क्या कहते हैं? इल नेचर्डली, यानी कोई भी चीज बहुत दुर्भावनापूर्ण रूप से की जा रही है, फिंडिशली जिसे बोलते हैं, है ना, दुष्टता के साथ. ही बिहेव्ड फिंडिशली इन द पार्टी. उसने एकदम बहुत बुरा व्यवहार किया पार्टी में सबके साथ. तो आपके सामने ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज फोकस करें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर जरूर ध्यान रखना. ठीक है, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर एवरीवन. सो ये शब्दों का याद रखना बेहद जरूरी है. इन्यूमरेट, बिनाइन, सेलियंस, टेम्पटिंग, स्क्रैम्बल, क्रिप्टिक, फिंडिशली. ठीक है, चले अब आते हैं हम लोग हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेगमेंट पर. तो पहला ईडियम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गिव इट अ शॉट. गिव इट अ शॉट, तुरंत आंसर करने की कोशिश करें. हेल्प समथिंग विद समथिंग, टू ट्राई आउट समथिंग, टू स्टे अवे फ्रॉम, प्रिटेंड टू बी गुड. टाइम्स अप हो चुका है. तो गिव इट अ शॉट का मतलब क्या होता है? टू ट्राई आउट समथिंग, चलो ट्राई कर लेते हैं, है ना. लेट्स गिव इट अ शॉट. जैसे हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई ड्रेस पसंद आती है, लेट्स गिव इट अ शॉट, ऐसे बोल सकते हैं. Let's give it a shot. ठीक है, this is a way to improve your spoken English as well. Gnash your teeth, gnash your teeth, come on. Express rage, to hesitate, to hide your mistake, collapsed. Time's up. Gnash your teeth क्या मतलब होता है? Express rage, to hesitate, to hide your mistake, collapsed. तो इसको बोलते हैं क्या? गुस्से को express करना कि भाई सामने वाला बड़ा गुस्से में है. तभी तो दांत, बच्चे होते हैं ना गुस्से में दांत पीसते हैं, दैट इज द वन. नेक्स्ट, गेट द सैक. व्हाट इज गेट द सैक? टू बी डिसमिस्ड, एनॉय समवन, बैड ओमन, एडजस्टमेंट. तुरंत बताओ. दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट. टाइम्स अप. सो गेट द सैक का मतलब क्या होता है? टू बी डिसमिस्ड, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, निकल लो यहां से, है ना. कम ऑन, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट. दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट एवरीवन. आगे आ जाए. नेक्स्ट, गेट विंड ऑफ समथिंग. गेट विंड ऑफ समथिंग, टू गेट एन एडवांटेज. अनोइंग देम बाय एक्टिंग वियर्डली. हियर अबाउट समथिंग. टू स्टे इनडोर्स बिकॉज ऑफ स्टॉर्म आउटसाइड. इसका मतलब क्या हो जाता है? हियर अबाउट समथिंग, मैंने को सुना है उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं. ऐसा लोग बोलते हैं ना कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं आजकल, तुम तो मतलब एकदम छाए हुए हो सब जगह, है ना. तो उड़ती उड़ती खबरें आना मतलब गेट द विंड ऑफ समथिंग. गिव अप द घोस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट वंस. गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट. Time's up. So to give up the ghost का मतलब क्या होता है? To face the disaster, to face something unexpected, to die या फिर to collapse the business. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? To die, simply to die, मर जाना. चलिए भी error detection. One of the boys from our school
हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट वन है तो इसीलिए हैज ही रहेगी वर्ब। चुना एक ही को गया है, सबको नहीं। चुना एक ही को गया है, सबको नहीं। ठीक है, चुना एक ही को गया है, सबको नहीं, इसीलिए वी हैव टू चूज हियर दिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए हेडिंग टूवर्ड्स अनदर वन। ठीक है, प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, प्लीज ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। ग्रेव शब्द का सिनोनिम क्या होगा? डेथ, हैवी, सीरियस या स्टिल? डेथ, हैवी, सीरियस या स्टिल, कम ऑन। टाइम्स अप। सो ग्रेव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो काफी ज्यादा सीरियस है ना। नेक्स्ट, इम्पेटस, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। इम्प्लीकेशन, एनकरेजमेंट, डिवाइस या फिर हिंडरेंस। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? एनकरेजमेंट। कोई बात नहीं, सब बढ़िया होगा, है ना। हम एग्जाम दे के आते हैं, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं, कई बार नहीं आ पाते, तो पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज अस कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और थोड़ा मेहनत करो, एनालाइज करो कहाँ हमसे कमी रह गई, है ना। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इम्पेटस। वेल डन प्रीतम, बहुत बढ़िया। युगेंद्र, सृष्टि, शालिनी, युगेंद्र, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैटिकुलस, परफेक्शनिस्ट, स्लोपी, इनएक्यूरेट, फॉल्टी। मैटिकुलस। टाइम्स अप। व्हाट इज मैटिकुलस? सो मैटिकुलस कहते हैं इंसान जो चीजों को काफी सतर्कता से करे, और सतर्कता से करेगा मतलब किसी चीज में, है ना, एक्यूरेसी या फिर परफेक्शन धारण करके। तो परफेक्शनिस्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटिकुलस, है ना। इनकार्सरेट शब्द का एंटानिम बताएं तुरंत। व्हाट इज द राइट एंटानिम फॉर द वर्ड इनकार्सरेट? रिलीज, पार्डन, डिटेन या कमिट। रिलीज, पार्डन, डिटेन या कमिट, कम ऑन गाइस। रिलीज माने छोड़ देना, इनकार्सरेट का मतलब जेल में डाल देना, तो आंसर आई थिंक रिलीज हो गया। पार्डन माफी, डिटेन माने धर लेना, पकड़ लेना, कमिट का मतलब घटित होना किसी चीज का, तो इनकार्सरेट मतलब कैद करना। नेक्स्ट इज कोजन। नेक्स्ट वर्ड इज योर कोजन। कोजन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चीट, कैच, बर्न या ऑनेस्ट? एंटोनिम बताना है मतलब। कोजन एक प्रकार की चाल हो गई जिसे ट्रिक कहते हैं। कोजन एक प्रकार की चाल हो गई जिसे ट्रिक कहते हैं, है ना। तो इसका ऑपोजिट ऑनेस्ट हो जाएगा, चीट तो होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर शुड बी दिस ओनली। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ट्रूली ग्रेट गाइस, है ना। आगे बढ़े, चले चले एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी करें, है ना। योर लाइक्स आर रियली वेरी नीडेड, है ना, इम्पॉर्टेंट। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कारवां पर, नेक्स्ट सेगमेंट पर, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म। चलिए बात करेंगे पैराग्राफ रीडिंग की। लैंग्वेज एज बैरियर, ये पैराग्राफ वाई आई हैव चोजन, बिकॉज दिस कैन बी इन योर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, है ना, क्योंकि ये हमेशा से ही मुद्दा रहा है। तो लैंग्वेज एज बैरियर, देर आर प्लसेज एंड माइनसेज इन मेकिंग द मदर टंग द मीडियम फॉर हायर स्टडीज। इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं अगर हम मदर टंग को हायर स्टडीज का एक, है ना, लैंग्वेज मीडियम बनाए। तो देखते हैं भाई क्या यहाँ पर बात रखी गई है। सो दिस इज द पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू एवरीबडी। लेट मी हाइड माई सेल्फ, मैं खुद को गायब करता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट पैराग्राफ। यू हैव 2 to 3 minutes, आई शुड से 3 minutes टू रीड इट आउट। आसानी से पढ़ो, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एवरीवन रीड करो अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग टू वन अनदर। गो फॉर इट।
बातचीत नहीं करनी भाई, रीड करना है, रीड, रीडिंग में बिल्कुल भी। अभी देखते हैं, देखते हैं प्रीतम, विल लुक इन टू इट, डोंट वरी। रीड करना है सबको अच्छे से। आई थिंक ऑल डन, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। जल्दी स्टार्ट होगा मधुमिता, आई लेट यू नो, है ना। सारे क्लासेस अभी और सारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं जल्दी, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। द कॉल बाय, अब देखो कॉल तो किया नहीं है, इसका मतलब आह्वान, कहा गया। बाय होम मिनिस्टर अमित शाह लास्ट वीक फॉर इंजीनियरिंग लॉ एंड मेडिसिन टू बी टॉट इन इंडियन लैंग्वेजेस इज अ वेल इंटेंशनड वन। देखो पहली लाइन कितनी बढ़िया लिखी है, हमेशा फ्रेमिंग देखा करो। द कॉल बाय होम मिनिस्टर, देखो ये तरीका हमें लिखने का वे सिखा रहा है। हम देखें कि किस तरह से सेंटेंसेस को शुरू किया जा रहा है, शब्द क्या चुने जा रहे हैं, तो यही पढ़ने वाले रीडर को अच्छा लगेगा। द कॉल बाय होम मिनिस्टर अमित शाह लास्ट वीक फॉर इंजीनियरिंग लॉ एंड मेडिसिन टू बी टॉट पैसिव इन इंडियन लैंग्वेजेस इज अ वेल इंटेंशनड वन। मतलब उनका एक सोचा समझा इंटेंशन है। हिज स्टैंड, उनका जो एक बोल सकते हैं यहाँ पर स्टैंड लेते हैं ना किसी चीज को लेकर, सपोर्ट इज इन सिंक विथ वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स, है ना। वो इस चीज को एट द सेम टाइम ध्यान रखने की बात की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन हायर एजुकेशन, तो एक पॉइंट उन्होंने वहां से लिया एनईपी का जो था। द एनईपी प्रोवाइड्स फॉर मोर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन टू यूज मदर टंग और लोकल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिसाइड्स ऑफरिंग प्रोग्राम्स बायलिंगुअली। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो प्रोवाइड करती है ज्यादा, है ना, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स को, है ना, मदर टंग यूज करने के लिए या फिर लोकल लैंग्वेज, जिससे मतलब एक इंस्ट्रक्शन का मीडियम देने के लिए, बिसाइड्स ऑफरिंग प्रोग्राम बायलिंगुअली। द रेशनल तर्क बिहाइंड मिस्टर शाहस कॉल इज दैट 95% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग, ये बात ठीक है, 95% विद्यार्थी अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में लेते हैं। शुड नॉट बी लेफ्ट आउट इन देयर परसूट ऑफ हायर स्टडीज, उनको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए कि भाई हम हायर स्टडीज, कई बार आपने देखा होगा कि जब हायर स्टडीज की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ हिंदी का उतना प्रयोग नहीं होता या बाकी रीजनल भाषा का, तो लोगों को लगता है कि यार हमने जो अभी तक पढ़ा, आई थिंक दैट्स रियली वेरी अजीब, तो लेफ्ट आउट फील ना करें, इसीलिए ये यहाँ पर प्रयास रखा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर द कॉल्ड नहीं है, यहां पर कॉल नाउन की तरह, फर्स्ट में ही बोल रहे हो क्या? यहां पर कॉल का शब्द ही का यूज होगा इस जगह, तो अभी और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इन रीसेंट ईयर्स हाल ही में सब्सटेंटिव मेजर्स हैव बीन टेकन, पर्याप्त मेजर्स लिए गए हैं टू मेक इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस। इफ द स्टेटमेंट बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन लोकसभा, है ना, इन दिसंबर 2021 इज एन इंडिकेशन, यदि एक प्रकार का ये क्या था, इंडिकेशन था। इफेक्टिव 21-22 द एआईसीटीई ग्रांटेड अप्रूवल टू 19 इंजीनियरिंग कॉलेज इन 10 स्टेट्स फॉर हैविंग इंजीनियरिंग कोर्सेज इन 6 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, द काउंसिल हैज ऑल्सो डेवलप्ड एन ए आई सी टी ई ट्रांसलेशन ऑटोमेशन ए आई टूल दैट ट्रांसलेट इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस, दैट नेम इज स्वयं, एन ओपन ऑनलाइन
courses platform of central government has been offering some popular courses in Indian languages too. ठीक है, तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने मिल गई है ना, और समझ में आ गया प्रीतम. हाँ, तो बिल्कुल वो नाउन की तरह यूज़ हुआ है एंड दैट्स व्हाट वी हैव गॉन थ्रू ओवर देयर. ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो हायर कोर्सेज हैं, हायर एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, उनको कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेजेस में, यानी कहीं ना कहीं जो वो भाषा प्रयोग में लाई जा रही है उन्हीं का उपयोग में यहाँ पर कहा जाए. अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है स्वयं वाला है ना, तो इसका ध्यान रखना. एंड कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉपुलर लैंग्वेजेस है ना इस तरह से वहाँ पर सर्व करता है. चलिए भाई, तो आगे आते हैं. एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी स्पेशली. ठीक है, तो आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस बैच इज़ रियली वेरी ग्रेट. ठीक है, 400 से ज़्यादा लाइव आवर्स आपको मिलेंगे, यानी हर चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा. 2022-23 एग्जामिनेशन CGL को बड़ा टारगेट करता है ज़बरदस्त तरीके से. ठीक है, तो दिस इज़ योर निश्चय बैच. आई एम देयर है ना, विल टीच यू एंटायर इंग्लिश सेगमेंट. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज ही अडेट 24/7 के स्टोर पर जाकर, ठीक है, इसको परचेज कर लेना है, बिकॉज इट हैज लिमिटेड सीट्स. और महापैक पर अभी आपको डबल वैलिडिटी है. यस, महापैक का ही ये पार्ट रहेगा. तो जिन लोगों ने महापैक एनरोल नहीं किया, जल्दी से ग्रैब कर लो यार, वेट मत करो, बिकॉज वेटिंग समटाइम्स लीविंग है ना, कभी कभी वेट करने से चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से. तो CGL, CPO, CHSL, Steno, MTS, GD, सिलेक्शन पोस्ट, और ये सारे फीचर्स इसमें होते हैं, ये सारे एग्जाम्स कवर करता है. ऑल टेस्ट सीरीज, मॉक वीडियोस, रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस महापैक. ठीक है, अभी आपको दो वेरियंट्स में मिल जाएगा अभी, तो 6+6 या 12+12 मंथ्स वाला, जो भी आपको प्रेफरेबल है, आप आज एनरोल कर लीजिएगा. और ये 5 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं, जिसमें कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी शामिल है. अच्छा, वो निश्चय बैच 19 से शुरू होगा, दैट इज डिफरेंट है ना. ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच, AWO, TPO, दिल्ली पुलिस का बैच शुरू हो रहा है, प्रखर बैच शुरू हो रहा है 2.0. सो वी हैव एवरीथिंग विद अस. सो महापैक हैज कंप्लीट, आई शुड से कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो किस तरह से आप इसे एनरोल कर सकते हैं, एक बार हम लोग चलते हैं डेट 24/7 पर, और वहां से किस तरह से हम लोग इसके फीचर्स को कैरी कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, तो देखिए डेट 24/7 के स्टोर पर आपको सारी चीजें वहां पर दिख जाती हैं. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एसोसिएटेड टू लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो सीधे हम लोग चलते हैं डेट 24/7 के स्टोर पर, और वहां से इस चीज को भले भांति कवर अप करने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर चीजें आपको मिलती हैं. देखिए, बहुत आसान होती हैं चीज़ें, बस हमें चीज़ों को समझना होता है और अपने पर्पस के हिसाब से उन पर काम करना होता है. सो यू कैन सी दैट वी आर ऑन अडेट 24/7 स्टोर. ठीक है, खुद को थोड़ा सा यहाँ पर रिसाइज कर देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग. ऑल कोर्सेज पर आपको आ जाना है. ठीक है, SSC सेगमेंट, और यहाँ पर आप CGL बैच पर क्लिक करें. ठीक है, CGL पर, ठीक है, क्लिक कीजिए. तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, डबल वैलिडिटी अभी है, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये डबल वैलिडिटी केवल और केवल 10 बजे तक रहेगी, उसके बाद ये विड्रॉ हो जाएगी. प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुने, महापैक हैज़ इट्स वैल्यू. आप अड्डा का महापैक भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, और इसमें आपको ये सारे बैच मिलते हैं इस महापैक में. डबल वैलिडिटी है, इसका फ़ायदा उठाएं. ठीक है, अलग अलग बैचेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे सामने हमारा टारगेट क्या है. 2000 से ज़्यादा लाइव आवर्स की क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं, 17,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं इसमें, सब कुछ ऐड करा दिया गया, और भी कुछ स्पेशल प्लान हो रहा है वो भी इसमें ऐड होगा, ये भी मैं बता दूँ. सीधे बाय नाउ पर क्लिक करो, सीधे बाय नाउ पर क्लिक करो, Y278 कोड लगाओ, परचेज कर लो. माइंड इट, अभी 12+12 मंथ आपको मिल रहा है, ये देखिए कितना, 2860 रुपये में, 2860. और अगर आपको 6+6 मंथ्स वाला लेना है तो आप वहां पर 2200 रुपये खर्च कीजिए. बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव ह्यूज एंड अमेजिंग थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू. कितने सारे एग्जाम्स कवर करता है देख सकते हैं आप लोग खुद ही, और इसका लेवल आप देख सकते हैं स्टडी का, बड़ा ही कमाल होगा. और फिर मैं बताऊं, जो बैच यहां पर आई हैव बीन टेलिंग यू, निश्चय बैच देख सकते हैं आप, दिस बैच इज इंक्लूडेड इन महापैक, सो डोंट नीड टू वरी मच. ठीक है, 19 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, आपको यहाँ पर स्टडी प्लान भी देखने मिल जाएगा.
है ना, तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से क्लासेस चलेंगी इसमें, है ना, एंड दिस बैच विल कंटिन्यू अमेजिंग तरीके से. सो गेट रेडी यार, बस इतना ही है आप लोगों से कहना, किसी तरीके से मिस नहीं करना है, किसी तरीके से, है ना, कोई भी चीज़ यहाँ से हमें हटानी नहीं है, बस ग्रैब कर लेना है, ठीक है. सो आई थिंक यू पीपल विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द यूटिलिटी एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. डबल वैलिडिटी है, ग्रैब करो, बस दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है. तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में. थैंक यू सो मच, प्लीज बी रेगुलर टू योर क्लासेस. जल्दी आप लोगों के लिए एक शानदार बैच प्लान किया है, बताऊंगा सारी चीज़ें, सारी बातों से पर्दा उठेगा, ठीक है. सो सभी लोग जरूर जुड़िएगा, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में. सेशन को लाइक करते हुए जाना यार, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को शेयर कर देना अभी तक नहीं किया है, ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच. बोलो बाकी बिहारी लाल की जय. जय हिंद, राधे राधे. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड यस डोंट फॉरगेट, आज एनरोल कर लेना अभी 10 बजे से पहले, डबल वैलिडिटी है, ठीक है. टेक केयर एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू.